कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एसडीएम सदर की पहल पर महानगर के 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना का निःशुल्क जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों का निःशुल्क कोरोना जांच किया जा रहा है। जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि सभी लोगों की टेस्टिंग कराई जाए और जो व्यक्ति पॉजिटिव आ जाए उसके कॉन्टैक्ट टेस्टिंग कराई जाए, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि कोरोना के जंग को जीतने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। एसडीएम सदर ने लोगों से अपील किया कि लोग कोरोना शिविर पर जाकर निःशुल्क जांच कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, जो लोग थे ना, आज हमारी शहर में 22 जगहों पे अलग अलग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना शिविर लगाए गए थे, जिसमें हमारी बहुत अच्छी टेस्टिंग हुई है। और अभी बताना चाहूँगा कि पिछले 20 दिनों से हमारी टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। शहरी क्षेत्र में हम टेस्टिंग बहुत करा रहे हैं, लक्ष्य से अधिक करा रहे हैं टेस्टिंग, और लोगों को हम बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जिसको भी थोड़ा सा लक्षण अगर लग रहा है तो इन कोरोना शिविरों में जाकर अपनी टेस्टिंग करा सकता है। ये कोरोना शिविर निःशुल्क हैं। जो भी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्ति हैं वो भी जाकर शिविरों में अपना टेस्ट करा सकते हैं। शहर के 22 अलग अलग जगहों पर ऐसी जगहों का चुनाव हम करते हैं जहाँ पर हमें संभावना रहती है कि कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति, कोई भी क्लस्टर उसमें मिल सकता है, वहाँ पर हम शिविर लगा रहे हैं। तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज के माध्यम से उन जगहों को भी हम साझा करते हैं लोगों के साथ, और अब लोग भी इसमें सभी दुकानदार, सभी मार्केट, सभी ऑटो, सभी जितने भी लोग हैं सबका समर्थन मिल रहा है। जो लोग पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, जिसको भी जो भी थोड़ा सा लक्षण आता है, वो इन शिविरों में आ रहे हैं। और कोरोना का सबसे असली अगर कारगर उपाय है इसको सही करने का, तो सबसे जितना जल्दी हम टेस्टिंग करा लेंगे उतना जल्दी इसको हम दूर कर पाएंगे। तो इसी यही कारण है कि टेस्टिंग अधिक होने से हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गई है। सर, काफ़ी लोग डर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव आएंगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा, घर से एम्बुलेंस आएगा, इस तरह को क्या इसके अलावा भी कोई सुविधा उपलब्ध कराएंगे? देखिए, जब से शासन का आदेश हुआ है कि कोई अगर पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो वह अपने घर में होम आइसोलेट रह सकता है, तो बहुत बड़ा डर जो था लोगों का, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था कि लोग अस्पताल में जाएंगे और अस्पताल में जाके थोड़ा उनको साइकोलॉजिकली रहता है, इस वजह से लोग आगे नहीं आ रहे थे। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं, और ये हमारे लेखपाल, हमारे अमीन जगह जगह बता रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव भी आते हैं तो आप अपने घरों में रहिए जब तक कि आपको कोई बहुत अधिक परेशानी ना हो। तो इसका बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। बहुत सारे हमारे होम आइसोलेशन के जो हमारे मरीज़ हैं वो 4-5 दिनों में 6 दिनों में सही हो जा रहे हैं, और इसको देखते हुए आदमी एक को देख के दूसरा आदमी आगे आ रहा है और अब टेस्ट करा रहा है। पहले, आज से एक महीने पहले जो हिचक थी लोगों में, अब वो नहीं है। और अभी हम और जागरूक कर रहे हैं, हमारा जागरूकता का अभियान लगातार चल रहा है। क्षेत्र में हम खुद विजिट कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य एक वायरस है, कोशिश है, तो आप ज़रूरत इस बात की है कि हम अधिक से अधिक सुरक्षा बढ़ते हैं। अगर फिर भी किसी को अगर हो जाता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बड़ा पैटर्न बहुत वो हो गया है, रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी है, तो आप अपने घरों में रहकर ही सही हो सकते हैं। तो इसी को हम लोगों के बीच में जाके प्रचारित कर रहे हैं।